हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 75 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोहन के मुंह से परी की सच्चाई सुनकर राजीव हैरान था। राजीव, क्या कहा तुमने? रोहन, हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और परी ने खुद अपने मुंह से मुझे बताया, वह सचमुच की एक परी है। राजवीर, इसका मतलब उसकी वह सारी बिना सैर पैर की बातें जिसे मैं फालतू समझता था, वह सब सच है। वह सच में परिस्तान से आई हुई एक परी है। राजवीर अपने आप से बोलता है, मतलब वो सब मैंने जो भी देखा उस दिन वह सब सच था। उस रोशनी से निकली हुई वह लड़की परी थी, उसने ही मेरी जान बचाई थी। राजवीर को यूं खोया हुआ देखकर रोहन बोलता है, क्या हुआ भाई, किस सोच में खो गए? राजवीर, कुछ नहीं, बस परी के बारे में सोच रहा हूँ। अगर वह यहाँ आई है तो किस रीजन से आई है और कब तक है यहाँ? रोहन, उसने कुछ बताया तुम्हें इस बारे में? रोहन, नहीं भाई, उसने ऐसा कुछ खोलकर तो नहीं बताया। हाँ, उसने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ बोला जरूर था। रोहन फिर राजीव को थोड़ी देर पहले परी के साथ हुई बात के बारे में बताता है। सारी बातें सुनने के बाद राजीव को अचानक से याद आता है, उसने कहा है उसका कुछ खो गया है। तभी राजीव को सभी बातें याद आती हैं, जिसमें परी बार बार राजीव से अपना हीरा वापस लेने की जिद करती थी। राजवीर रोहन से बोलता है, रोहन मुझे पता है परी तुम्हें क्या बोलना चाह रही थी, हमें कैसे भी करके उसकी मदद करनी होगी। फिर राजवीर रोहन को कुछ बातें समझाता है। सुबह वे दोनों वहां से निकलकर सीधा परी के पास रेस्टोरेंट जाते हैं। शर्मिला उन दोनों को देखकर, अरे सुबह सुबह तुम दोनों, और राजवीर तुम कैसे हो, अब ठीक है ना? राजवीर, हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। रोहन, शर्मिला जी हम परी से मिलने आए हैं, कहाँ पर है वो? शर्मिला, परी, अरे वह तो अभी तक सो रही है, पता नहीं आजकल उसे हुआ क्या है, वो थकी थकी से रहने लगी है और अगर कुछ पूछो तो बताती भी नहीं है। रोहन, कोई बात नहीं, हम जाकर उससे मिल लेते हैं। इतना बोलकर रोहन और राजवीर परी के कमरे की तरफ ऊपर जाने लगते हैं। राजीव रोहन को अपने साथ जाता हुआ देख एक बार घूरता है। रोहन, भाई एक काम करो, आप जाकर आओ, मैं यहीं नीचे आपका इंतज़ार करता हूँ। राजीव ऊपर परी के कमरे में आता है, जहाँ परी बेड पर सो रही होती है और उसके पास ही चिनो बेड पर घूम रहा होता है। राजीव उसके पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। परी हल्की गहरी नींद में होती है। राजीव, परी उठो, गुड मॉर्निंग। राजीव की आवाज़ और उसके छूने से परी नींद में ही हल्की सी आँख खोलकर राजीव को देखती है और फिर वापस आँख बंद करके सो जाती है। परी को इस तरह सोता देख राजीव का मन नहीं करता उसे जगाने का, वो वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन कुछ सोचकर वापस परी के पास जाता है और उसके कान में धीरे से बोलता है, परी तुम्हें हीरा वापस चाहिए ना, बताओ वो कहाँ पर है? राजीव की बात सुनकर परी नींद में ही बोलकर अपने सर हाँ में हिलाती हैं। राजीव फिर से दोबारा प्यार से परी से पूछता है, परी बताओ हीरा कहाँ पर है, क्या हीरा मेरे पास ही है, बताओ परी? परी फिर से बोलकर अपना सर हिला देती हैं और दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती हैं। उन दोनों को इस तरह बातें करते हुए देख चीनो बोलता है, अरे क्या कर रही हो राजकुमारी, नींद से जागो, ये इंसान हमारे सारे रात जान चुका है। चीनो को इस तरह हिलता हुआ देख राजीव उसकी तरफ देखता है। उसे उसकी बात समझ तो नहीं आती, लेकिन वह अपने मन में कुछ सोचता हुआ चीनो को अपने साथ उठाकर ले जाता है। चीनो, अरे अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, राजकुमारी उठो, जागो नींद से, देखो यह इंसान मुझे अपने साथ लेकर जा रहा है। राजीव चुपचाप उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नीचे आकर
रोहन को हामी ने इशारा करता है और रोहन उसके साथ वहाँ से चला जाता है। शर्मिला उन दोनों को इस तरह जाती हुई देख अपने आप से बोलती है, अजीब बात है, बिना कुछ बोले ही चले गए। राजवीर और रोहन गाड़ी में होते हैं। राजवीर चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। उसे इस तरह चुप देख रोहन से रहा नहीं जाता और वह राजवीर को बोलता है, क्या हुआ भाई, कुछ पता चला? आप इतने शांत क्यों हैं? क्या बोला परी ने? राजवीर रोहन के किसी बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप चीनू को अपने कोर की जेब से बाहर निकाल कर गाड़ी की डैशबोर्ड के ऊपर रख देता है, जिसे देखकर रोहन चौंक जाता है। रोहन, यह खरगोश, यह तो परी का पालतू खरगोश है। चीनू, आप इसे अपने साथ क्यों लेकर आए हैं भाई? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? राजवीर, घर पहुंचने दो तो फिर सब आराम से बताता हूँ। घर पर आकर राजवीर चीनू को टेबल पर रखता है। रोहन और वो सामने सोफे पर बैठ जाते हैं। रोहन चीनू को देखते हुए राजवीर से पूछता है, भाई अब आप बताएंगे क्या चल रहा है, आप इसे अपने साथ क्यों लेकर आए हैं? राजवीर, यह हमेशा परी के साथ रहता है, यह भी शायद परी के साथ ही परिस्थान से आया हुआ है और परी हमेशा इससे बातें करती रहती हैं, जिसका मतलब है यह सब कुछ जानता है और शायद हमारी मदद कर सकता है। रोहन, भाई लेकिन हम इसकी बात नहीं समझ सकते, यह एक छोटा सा खरगोश कैसे हमारी मदद करेगा? राजीव, यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। इतना बोलकर राजवीर चीनू की तरफ देखते हुए बोलता है, चीनू तुम हमारी मदद करोगे ना, क्योंकि हम दोनों भी परी की मदद करना चाहते हैं और मैं जानता हूँ वह हीरा मेरे पास ही है। इतना सुनकर चीनू हाँ में अपना सर ऊपर नीचे करता है। चीनू को इस तरह देखकर रोहन चौंक जाता है। रोहन हैरान होते हुए राजवीर को बोलता है, भाई आपने देखा, यह आपकी बात समझ रहा है। इसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, वाह भाई यह सब तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है। राजवीर, हाँ पता है, देखा मैंने भी, और अब तुम इस तरह उछलना बंद करो, तुम्हारी चिल्लाने की वजह से कहीं वहाँ डर ना जाए। राजवीर की बात सुनकर रोहन अपनी जगह पर चुपचाप पर बैठ जाता है। राजवीर उठकर अंदर से एक पेन और पेपर लेकर आता है और उसे चीनू के साइड में रख देता है। राजवीर चीनू की तरफ देखते हुए बोलता है, इतना तो मैं जान चुका हूँ कि तुम हमारी बात अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन तुम अगर कुछ कहना चाहो तो हम चाह कर भी नहीं समझ पाएंगे। मुझे कुछ और आइडिया नहीं आया, इसलिए मैं पेन और पेपर लेकर आया गया। अगर तुम इसके ऊपर कुछ लिखकर हमारी बातों का जवाब दे सकते हो तो दे दो। राजवीर की बात सुनकर चीनू पेपर के पास आता है और उस पर हल्की सी फूंक मारता है, जिसे उस पेपर पर अपने आप लिखा हुआ आ जाता है, जो तुम सोच रहे हो वह बिल्कुल सही है, हीरा तुम्हारे पास तुम्हारे दिल में है और हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बिना हम घर वापस नहीं जा सकते। राजवीर और रोहन हैरानी से उस पेपर पर लिखा हुआ पढ़ते हैं। राजवीर, मतलब मैं जो सोच रहा था वह बिल्कुल सही है, मेरे दिल में जो टुकड़ा है वह वही हीरा है। रोहन, चलो हमें डॉक्टर के पास चलना है, मैं ऑपरेशन करवा कर यह हीरा निकलवाऊंगा। रोहन, भाई आप यह क्या कह रहे हैं, मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे सकता, आपको पता है इसमें आपकी जान का खतरा है, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी बताया था अगर हमने इसे ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करी तो इसमें आपकी जान जा सकती है। नहीं भाई, मैं आपको ऐसा कुछ करने ही करने दे सकता। राजवीर, जान जाए तो चली जाए, तुम्हें पता है रोहन, उस दिन जब मेरा फ्लाई ओवर पर एक्सीडेंट हुआ था मैं तब मर रहा था और उस वक्त परी वहाँ पर आई जिसने मेरी जान बचाई। यह जो मेरी ज़िंदगी में जी रहा हूँ यह परी की बदौलत ही है। तभी चीनू दोबारा से पेपर के पास जाता है और उस पर लिखा हुआ आता है, नहीं राजीव ऐसा मत करना, अगर डॉक्टर ने ज़बरदस्ती वह हीरा निकालने की कोशिश करी तो तुम मर जाओगे। रोहन, देखो भाई चीनू भी यही कहना चाहता है, आप मत करो ऐसा,
आपकी जान को खतरा है। राजवीर रोहन को पेपर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, दोबारा ढंग से पढ़ो उसे, चीरू ने क्या लिखा है। रोहन दोबारा उस पेपर को पढ़ता है, उसमें आगे लिखा हुआ होता है, ऑपरेशन मत करवाना, तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम हॉस्पिटल मुझे अपने साथ ले चलना, उसके बाद मैं सब संभाल लूँगा। मेरे पास अभी भी इतनी शक्तियाँ बची हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजवीर, हम चीनू पर विश्वास कर सकते हैं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। हमें डॉक्टर से बात करनी होगी इस बारे में। चीनू आगे पेपर पर लिखता है, राजकुमार की तबीयत इन दिनों बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी है। अभी जितनी भी शक्तियाँ उसके पास हैं वह मेरी दी हुई हैं और वह उसके लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए इस वक्त वो बहुत कमज़ोर है और वो यहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं खा पी सकती हैं, इसीलिए हो सके तो उसे कुछ खाने मत देना। वहीं शर्मिला शाम को परी के कमरे में खाना लेकर आती हैं और कमरे की हालत देखकर उसकी जोर से चीख निकल जाती हैं। शर्मिला परी पर चिल्लाती हुई बोलती है, यह क्या हो रहा है परी, क्या हालत बना रख दी तुमने कमरे की, अच्छे खासे कमरे को कबाड़ बना दिया, हुआ क्या है कुछ बताओगी मुझे। परी, अरे शर्मिला जी अच्छा हुआ आप आ गई, देखिए ना मैं कब से चीनू को ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं फिर से कहाँ गायब हो गया, पता नहीं इस बार कौन उसे ले गया मेरे कमरे से। शर्मिला, राजवीर। राजवीर का नाम सुनकर परी चौंक जाती है, क्या क्या कहा आपने, राजवीर लेकिन वो यहाँ क्यों आया था और कब आया, मुझे क्यों नहीं बताया आपने। शर्मिला, हे भगवान लगता है आजकल तुम बहुत ज़्यादा ही सोने लगी हो, वो सुबह आया तो था हमारे कमरे में तुमसे बात करने के लिए। शर्मिला की बात सुनकर परी अपना सिर पीट लेती है। परी, क्या मुसीबत है यार, पहले ही मेरी मुश्किलें कम नहीं हैं और ये राजवीर चीनू को भी अपने साथ ले गया, आखिर करना क्या चाहता है ये लड़का। परी राजवीर को 2-3 बार फ़ोन लगाती है लेकिन राजवीर उसका फ़ोन नहीं उठाता। परी इससे बहुत परेशान हो जाती हैं।